तो क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? तो क्या एनडीए के भीतर एक बार फिर मतभेद है? तो क्या फिर से एनडीए की सरकार में कुछ अनबन है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे एक कारण, और वो कारण है आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दरअसल एससी एसटी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि केंद्र में सरकार चला रहे एनडीए भी इस फैसले में दोफाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ एलजेपी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने फैसले का स्वागत किया। चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, किसी किसी का एससी एसटी में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, के को इंजीनियर चीफ हैं, के को चीफ इंजीनियर हैं, और जो जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं चार जातियां उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे हैं, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है, तो वहीं एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। दोनों नेताओं ने अपने अपने दावे दिए हैं, लेकिन दोनों की बातें एक दूसरे के विरोध में है और दोनों ही नेता एनडीए में मंत्री हैं। दोनों की बातों के पीछे एक अहम कारण भी है और वो कारण बिहार की जनसंख्या में छिपा है। दरअसल बिहार सरकार ने पिछले साल 2 अक्टूबर को जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक दोसांझ जाति की आबादी बिहार में 5.31% है, तो वहीं मुसहर जाति की आबादी 3.08%। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नौकरियों में दोसांझ काफी आगे है, वहीं मुसहर इस मामले में काफी पिछड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर मांझी को लगता है कि अगर एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाई जाती है तो उनके समुदाय को फायदा हो सकता है, इसलिए वो चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं जो फैसला आने के बाद से ही फैसले के विरोध में झंडा उठाए।